नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के हायाघाट के प्रखंड की बात करें, यहाँ पर रघुनाथपुर में चंद्रपट्टी पंचायत में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि सभी बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण, ऐसा दरभंगा के DM ने बताया है। महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो रघुनाथपुर गाँव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 77 पर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम 3 माह की गर्भवती रिजवाना खातून को IF की 180 गोली, अजय मंडल के 1 माह के पुत्र अक्षत राज को पोलियो खुराक एवं टीकाकरण कार्ड देकर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ शुरुआत जो है सुबह से ही तैयारियां चल रही थी इस जगह पर, और सभी लोग मौजूद हैं। हायाघाट प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सभी लोग मौजूद हैं इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी रागनी शाहू, जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हायाघाट डॉक्टर बसंत पंचानन, वो भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ जो अंचलाधिकारी हैं कमल प्रसाद साह, CDPO शैलजा कुमारी, जीविका BPM संजीव कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक श्याम नारायण यादव, यूनिसेफ के SMC शशिकांत सिंह एवं ओकराचंद्र DMO डॉक्टर अजय प्रकाश DP एवं विशाल सिंह SMO डॉक्टर सुधानंद VC। इस अवसर पर नागेश्वर दास जो मुखिया है सिधौली पंचायत के, वो मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें ललिता देवी चंदनपट्टी पंचायत के मुखिया हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फीता काटते वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गुलाब का फूल यहाँ पर देकर DM राजीव रोशन का यहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया है। इस पंचायत के जो पूर्व में पंचायत समिति रहे हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत कुमार जो भाजपा से हैं, त्रिलोकीनाथ राय हैं, वो सभी लोग मौजूद हैं। इस वक्त आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। सभी लोगों ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से जो कार्यक्रम हुआ है उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। इंद्रधनुष का 4.0 का उद्घाटन आपने किया है, अभी आपने यूक्रेन और रूस युद्ध से इसका तुलना की है, इसका क्या माने हुआ और क्या उद्घाटन किया? सघन मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, नवजात हैं, उनका पूर्ण टीकाकरण हम लोग सुनिश्चित करें जिले में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य जो है, सभी प्रकार की जो बीमारी है जिसको हम लोग टीकाकरण से रोक सकते हैं उसे रोकें, ये बचाव का बहुत ही सशक्त माध्यम है। अगर हमें आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो टीकाकरण को हमें द्रुत गति से आगे ले जाना होगा। और जहां तक हमने तुलना किया है, लोगों की संवेदनशीलता जगाने के उद्देश्य से हमने ये तुलना की है कि ये एक प्रकार का युद्ध है बीमारी के प्रति, ये एक प्रकार का हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग आने वाले पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। हम मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत रतनपुरा से आए हुए थे। कैसे पता चला कि DM साहब आए? तो सूचना मिला 11-17 की, ऐसे ऐसे यहाँ टीकाकरण का शुरुआत होने वाला है, DM साहब आ रहा है, तो हम तो चले आए। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही हर एक पंचायत में, हर एक आंगनबाड़ी सेंटर पर बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या लग रहा है कि मतलब कुछ आप लोग कुछ अपना मांग भी रखे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे मिलने के लिए आए थे? ऐसे मिलने के लिए देखिए कैसा क्या प्रोग्राम है आगे जो ऐसा होगा। तो क्या नाम हुआ आपका? त्रिलोकनाथ है। कहाँ से आए थे आप? CSR पंचायत सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधि, आम पब्लिक, सभी स्वास्थ्यकर्मी, मीडिया, सभी हार्दिक अभिनंदन। हम सभी यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रखंड में पहली बार आए हैं और हमारे चंद्रपट्टी पंचायत में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के शुभारंभ में हम सभी क्लैब के साथ सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत खुशी हुई सर, सर आप आए यहाँ की, हर जन सभी लोग यहाँ प्रसन्न है, साथ में जनता भी। सर माननीय मुखिया जी, सर आपको सम्मानित करना चाहते हैं सर, इसके लिए सर अच्छे के लिए चॉकलेट भी लाए हैं, तो अभी इतना छोटा जाते हैं, हम भी खा लेंगे सर। मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चक्र के लिए आज इस कार्यक्रम का यहाँ आगाज किया गया है, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उद्देश्य स्पष्ट है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से त्रासदी आई, जिस प्रकार का आपदा का सामना राज्य, देश और पूरी दुनिया को करना पड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो अन्य बीमारियों के प्रति टीकाकरण का कार्यक्रम रहा है वो प्रभावित रहा है, क्योंकि कोविड की प्राथमिकता के कारण हम लोग कोविड टीकाकरण को एवं कोविड से बचाव को उसमें हम लोग अधिक सघनता के साथ लगे हुए थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कोविड अगर है उसके साथ साथ अन्य बीमारी से बचाव के लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता होगी और सघन रूप से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हम लोग मुख्य रूप से देखें तो अगर हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बीमारियों से बचाना है
तो टीकाकरण को हमें एक नए मुकाम पे ले जाना पड़ेगा और कम से कम 95% फुल इम्यूनाइजेशन को हमको लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। हमने जिला के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को, साथ ही ICDS के सभी कर्मियों को एवं जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सामने ये लक्ष्य रखा है, ये चुनौती रखी है कि आप सुनिश्चित करें कि आपके समाज का जो भी बच्चा है, जो भी जिसका भी नवजात शिशु है, वो फुल्ली इम्यूनाइजेशन फुल्ली इम्यूनाइज हो, उसे पूरा टीकाकरण प्राप्त हो। इसका लाभ उसके बच्चे के स्वस्थ होने में होगा, आने वाली भविष्य की जनरेशन में होगा। ये एक तरह का युद्ध है बीमारी के प्रति, ये युद्ध रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है जिसमें लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए लगे हुए हैं। ये युद्ध उससे बड़ा है जहां पे हम बीमारियों से बचाने के लिए, जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम आप सब लोगों को भी इस महान कार्य में अपना अपना योगदान देने के लिए हम आह्वान करते हैं और आपसे हम लोग चंदनपट्टी से हम लोग शुरू करें कि दरभंगा में सभी जगह हमारे जो बच्चे हैं, जो नवजात हैं, उनका हम लोग खूब टीकाकरण कराएंगे। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि उनको 6 महीने 8 महीने से उनको खाना बच्चे को नहीं मिला है, पौष्टिक आहार नहीं मिला है, सर क्या कहेंगे इस पर? ये जानकारी प्राप्त हुई है और आज हमारे बीच हमारे साथ में DPO ICDS भी है। हमने निर्देश दिया है कि इस कार्यक्रम के साथ ही वो यहाँ पर एक कैंप लगा करके सभी लोगों की समस्या का सुनेंगे और जैसा कि इन्होंने खुद भी कहा है कि इसका समाधान भी करेंगे और संपूर्ण रूप से यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर्स एक आदर्श बने इसके लिए प्रयास करेंगे। इन्होंने मुझे कहा है कि 1 महीने बाद आकर के सर देखा जाएगा और सब प्रकार का चीज जो है सिस्टमेटिक और बेहतर होगा। तो पूरे क्षेत्र में यही हो रहा है 6 महीने से, तो कोई जाँच ऐसा ही कोई नहीं, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की चीजें होगी तो हम लोग जाँच कराएंगे और अगर कोई दोषी होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। जो है पोषण की चीजें मिले, जो सरकार का ध्येय हो वो पूरा हो, उसको हम लोग सुनिश्चित कराएं। हाया घाट बनाने के लिए लोगों को, बहुत सारे लोगों ने ये किया है, तो हाया घाट प्रखंड में नहीं है सेंटर? नहीं, आधार कार्ड बनाने के लिए केंद्र नहीं है। अभी जो है ना तत्काल सर, एक पिछले महीना बंद कर दिया गया सर, एजेंसी चेंज हो रहा है सर ऊपर से। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आधार कार्ड बनाने का कार्य जिन एजेंसियों के द्वारा पूरे बिहार में किया जा रहा है, उनका फिर से चयन किया जा रहा है और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि हमारे प्रखंड स्तर पे वो आधार का सेंटर काम करे। बहेरी से लेकर आनंदपुर तक एक ही सेंटर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो है वहीं पर बनता है, तो क्या सेंटर बढ़ाया जाएगा या लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है? प्रखंड स्तर पे तो हम लोग सेंटर निश्चित रूप से देने का कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे और इसके लिए जरूरत होगा तो हम लोग विभाग को। विवाद का जो हुआ था 1 महीना पहले, इसमें अभी क्या चल रहा है सर, और जो लोग उनको क्या सुरक्षा मिल रहा है, जो लोगों ने मांग किया था उनके बारे में? मुझे लगता है कि शायद अब GM रोड, हाँ जी GM रोड की घटना, तो उसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने विक्टिम कंपनसेशन की कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो भी विक्टिम है उन्हें जो कानून के तहत सहायता देनी है उस पर निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ SSP साहब को परिवार की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है। जमीन में जल जमाव के कारण जो छे से फसल नहीं लाग पा, समय से खेती सूखी छे, ओका अपन पूरा निवासी एक सहनी छे जे बागमती नदी में जाए वाला पुल के मुँह बहि दिलकी है, और पुल के आगू में वो झोपड़ी बना लेती है भरी कर, जे कारण वो पुल दे के पानी निकासी नहीं होई छे और किसान के फसल उगाव से वंचित रह जाइए। ओके निजात दिलाव के लिए हम DM साहब के आवेदन दिलिये न, ऐसा पूर्व भी देने रहियन जे पर अखन तक सुनवाई नहीं भेले, वो DM बदल गला, आब जे DM छथि हुनका से फिर पुनः रिक्वेस्ट हमर समस्या के निजात दिला। कहाँ का मामला है? पिपरौली चंदनपट्टी पंचायत भरी का मामला है, पिपरौलिया ग्राम निवासी छी हम सब। नहीं नहीं, वो जो रोके हुए हैं वो हसनपुरा का है। कहाँ पर है हसनपुरा? हसनपुरा है थरवाड़ा स्टेशन के पास। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार चौधरी। जिला पदाधिकारी थे, सिविल सर्जन सर थे, जिला पट्टी रक्षक पदाधिकारी थे। हाँ बोलिए बोलिए सर। खंड जिला के प्रोग्राम प्रबंधक थे जिसे हम DPM कहते हैं, उसके बाद ICDS के जिला वर्ग के पदाधिकारी थे, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर बसंत कुमार पंचान, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आज से किसान इंटरन 4.0 का शुभारंभ केवल जिला में ही नहीं प्रदेश और पूरा भारतवर्ष में आज से शुरू किया गया। इसका मकसद यही है कि जो भी बच्चे छूटे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, सबका टीकाकरण
और यदि एएनसी है तो एएनसी का भी जांच है तो जांच भी, और सप्लीमेंटेशन जैसे आयरन है फोलिक एसिड चाहे बच्चा हो गर्भवती हो सबके लिए, तो सबका पूरक जो है उसको दिया जाता है। अभी कोविड काल में हम लोग जो टीकाकरण का प्रतिशत था जिला में भी बहुत कम हुआ, अभी हमारे जिला का एचीवमेंट करीब 62% है और हम लोगों का लक्ष्य है कि 90% कम से कम इसको जितना जल्द हो अचीव किया जाए। उसी के करीब में आज से जो मिशन इंद्रधनुष है कि 70% जो भी हमारे बच्चे छूटे हुए हैं 5 साल तक के या गर्भवती महिलाएं हैं सबका टीकाकरण हो जाए यहाँ पर। और भी जो हमारे पीआरए मेंबर है मुखिया जी भी पहुंचे हुए हैं, तो सभी से हमारा आग्रह रहेगा कि जो भी छूटे हुए आपके क्षेत्र में है मिशन इंद्रधनुष में तो ठीक है कि बहुत सेलेक्टेड सत्र है जहाँ हो रहा है, जैसे हैगा प्रखंड में भी 22-23 सत्र है जिला में इंद्रधनुष किया जा रहा है, लेकिन उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य और जनता के लोग सबको आज हम लोग सघन मिशन इंद्रधनुष में यहाँ स्वागत करते हैं। और ये 7 दिन का प्रोग्राम है जो कि 3 फेज में चलेगा। पहले 7 दिन हम लोग अभी 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च करेंगे, फिर इसी तरह से अप्रैल में भी होगा और मई भी होगा। जो बच्चे रूटीन इम्यूनाइजेशन में किसी कारण से छूट गए उन्हीं को पूरा करने के लिए हम लोग ये मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाते हैं। जो भी बच्चे या गर्भवती माता जो छूट गई है उनको हम लोग टारगेट करते हैं। इस सघन मिशन इंद्रधनुष में हमारा जो केंद्र बनाया गया है 522 है, जिसमें जो बच्चे छूटे हुए हैं उसका टारगेट है 12,185 जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, और जो गर्भवती महिला है वो 1885 है, इनको हम लोगों ने टारगेट किया है 100% हम सभी को टीकाकरण कर देंगे और इस तरह से सघन मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाएंगे। आज मैं इसकी सफलता के लिए सबको कामना करता हूँ, सब लोग हम लोग सहयोग से इसको सफल करेंगे। कुल 29 सेशन चलाए जाएंगे। हमारा टारगेट छोटे बच्चे जो हमारे टारगेट में है वो 731 है उनकी संख्या, और गर्भवती महिलाओं की संख्या 126 है, और इसे हम 100% पूरा करेंगे। इसके लिए हम कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं, और इस कार्य के लिए जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं तो उस सेक्टर का किस प्रकार से हमारा सपोर्ट रहेगा वो आईसीडीएस में माननीय मुखिया जी और प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया और प्रेस बंधु, जहाँ तक मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष जैसा कि सर ने बताया है कि हम लोग का 7 दिवसीय चल रहा है और ये 3 माह तक लगातार चलेगा, और इसमें जितने भी हमारे छूटे हुए महिलाएं गर्भवती महिलाएं और बच्चे हैं सभी का हेड काउंट सर्वे के आधार पर जो सर्वे किया गया उसके आधार पर किया जाएगा। जहाँ तक सेंटर के संबंध में जो समस्या जो बाहर में दिख रही है तो उसका मैं भी पहले चंदन पट्टी आज पहली बार आई हूँ, तो जो सारी समस्याएं हैं इसका हम लोग व्यक्तिगत रूप से इसका डीपीओ भी शायद संभवतः यहाँ पहली बार आएगी, जो भी समस्या है इसका निराकरण करेंगे। इसका दूसरा पहलू है जो हमारा टीकाकरण अभियान जो कि जिस कार्य के लिए हम लोग उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं, तो जो आपका जो प्रखंड के 29 जो सेंटर्स हैं वो सारे 29 जो कि मुझे लगता है कि सारे आंगनवाड़ी केंद्र ही होंगे, तो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर हम लोगों का सघन खुद का भी पर्यवेक्षण होगा आईसीडीएस सेंटर की तरफ से, और ये आपको मैं आश्वासन देती हूँ और विश्वास भी दिलाती हूँ कि इसमें आईसीडीएस की तरफ से इस सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में हार्दिक अभिनंदन तथा डीएम साहब का स्वागत, हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी सीएसआर डीपीओआईसीडीएस मैम जी डॉक्टर विलक्षण पदाधिकारी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि का, और आईसीडीएस के तरफ से जो भी सहयोग अपेक्षित है वो सब मिलेगा, और बच्चों को ताकि जो भी उनको टीकाकरण जिस शेड्यूल में उनको कराना है वो कराया जा सके और इस मिशन को